कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस यानी कि इत्तेफाक जिन पर यकीन करना मुश्किल है। नंबर वन, हैरे लेटनेस। 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स के नेब्रास्का में लोकेटेड एक चर्च में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि उस चर्च में गाना बजाने वाले लगभग 15 लोग थे जिन्हें एक्सप्लोजन के समय उस चर्च में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन वो सारे के सारे लेट थे और चर्च पूरी तरह खाली था, तो उस धमाके में किसी की जान नहीं गई। नंबर टू, द रीइंकार्नेशन ऑफ एंजो फरारी। पुनर्जन्म के बारे में तो आपने सुना होगा, इसी से रिलेटेड एक कोइंसिडेंस है एंजो फरारी का, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव कार कंपनी के फाउंडर थे। इनकी मौत 14 अगस्त 1988 में हुई थी और इसके 2 महीने बाद ही जर्मन सॉकर प्लेयर मेसुत ओज़िल का जन्म हुआ था, जिसकी शक्ल बिल्कुल एंजो फरारी के साथ मैच करती है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? नंबर थ्री, द शिपरेक्ड ह्यू विलियम्स। सन 1665 में एक शिप में बैठकर 83 लोग सफर कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 5 दिसंबर को शिप डूब गई और केवल एक इंसान जिंदा बचा, जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। इसके 121 साल बाद एक बार फिर से 5 दिसंबर 1786 को एक बोट में बैठे 76 लोग डूब कर मर गए, लेकिन सिर्फ एक जिंदा बचा जिसका नाम था ह्यू विलियम्स। फाइन, अब आगे भी अपने कान खुले रखना, क्योंकि फिर से 5 दिसंबर 1860 में एक बोट पहले की तरह पानी में डूब गई जिसमें 25 लोग मारे गए सिर्फ एक को छोड़कर। कैन यू गेस वो कौन था? यस, ह्यू विलियम्स। हाँ, ये तीनों अलग अलग पर्सन थे लेकिन इनके फुल नेम सेम थे।